नमस्कार, आज की क्लास में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे अव्यय पदानि। अव्यय पदानि पहले कुछ अव्यय का नॉलेज हम देख लेते हैं, कुछ जानकारी के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। तो कुछ अव्यय अपने पास है, यहाँ इन वर्णों को पहला भाग जो अपने पास है अपि, इति, इव, उच्चै, स्नेह। अब इनका अर्थ देख लेते हैं, इन सब का अर्थ देखेंगे। इनका अर्थ अपि का अर्थ होता है हिंदी में भी, इति का ऐसा या इस प्रकार, इव का अर्थ होता है के समान या जैसा, उच्चे का अर्थ होता है जोर से, स्ने का अर्थ होता है धीरे, ये पहला। अब इनका दूसरा भाग है, दूसरे भाग में अत्र, तत्र, यथा, तथा, यदा, कदा, यावत्, तावत्, ये दूसरा भाग है। इनका भी आप हिंदी अर्थ देख लेते हैं, ये जोड़े हैं। इनका हिंदी अर्थ तत्र मैंने यहां, तत्र मैंने वहां, तथा मैंने जैसा, तथा मैंने वैसे, जैसे वैसे कहते हैं। यहां तथा यानी जिस प्रकार, और तथा का मतलब उस प्रकार, दो अर्थ हो जाएंगे, जैसा जिस प्रकार, वैसा उस प्रकार। यदा का मतलब जब, और तथा कदा का मतलब कब। यावत् जितना, तावत् उतना, ये इनके हिंदी अर्थ है। फिर तीसरा इसका भाग, तीसरे भाग में है हय, हय, इदानीं, संप्रति, अधुना, स्व। इनके भी हिंदी अर्थ अपन देख लेते हैं, हय बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, इस संवैधानिक में नहीं, समय, संप्रति यानी अभी, अधुना यानी आज या अब, और स्व यानी आने वाला कल। चौथा भाग है सहसा, मा, पूरा, बही,
माँ, पूरा बही और वीना, इनके अर्थ भी एक बार अपन देख लेते हैं। सहसा का अर्थ होता है अचानक, माँ का अर्थ होता है मत या नहीं, पूरा का अर्थ होता पहले, बही का अर्थ होता बाहर और वीना का अर्थ होता है वीना। फिर इसका चौथा भाग, पांचवा भाग, पांचवें भाग में है यत, इतस तथा नूनम, कदापि, कुतः, किम, इनके भी अर्थ अपन देख लेते हैं। यत का अर्थ होता है कि या क्योंकि, इतः तथा यानी इधर उधर, नूनम का अर्थ होता है निश्चित ही, कदापि, कभी, या इसको हम बोल सकते हैं कभी भी, कुत यानी कहाँ से, किम यानी क्यों। तो ये अव्यय पदानि है, कुछ एक शब्द अपने लिखे हैं अव्यय, लघु 29 शब्द लिखे हैं। अब इन शब्दों में किम, कुतः, एक, कदा, ये प्रश्नवाचक अव्यय है, यानी ये जहां आएंगे तो वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। ये थोड़ा सा जानकारी, ये शब्द है जिनको अपन को याद रखना है। इनके अलावा भी कुछ अव्यय है, जैसे चे है, चे यानी ओर, अब मंदम है, तीव्रम है, इस प्रकार से कई अव्यय और हैं अपने पास, इतने हैं। इन्हीं अव्ययों के बारे में थोड़ा सा और अपन देखेंगे। तो ये तो अव्यय जिनका हिंदी अर्थ अपने लिया है। अब आगे अपन अब इन अव्ययों से जो प्रश्न केश आता है वो अपन को देखना है। ये तो इन अव्ययों का हिंदी अर्थ अपने पता कर लिया है, अब इनका परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो किस प्रकार से आएगा। तो इनका परीक्षा में जो प्रश्न आएगा, परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न आएगा मंजूषा पद सहायतया, मंजूषा के शब्दों की सहायता से उचित अव्यय पदानि लिखत, उचित अव्यय पद लिखिए। मंजूषा बना के दे रखी होगी, उस मंजूषा के अंदर शब्द दिए होंगे, जैसे अपने यहां दिया है वही, स्नेह, अपि, मां, इस प्रकार से चार शब्द दिए हैं। नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, कदापि, खालिस्तान, कदापि, असत्यम, खालिस्तान, वध। दूसरा दिया है सह पठति, अहम खालिस्तान पठामि। तीसरा सा चलति, इस प्रकार से मंजूषा में तीन चार शब्द दिए, तीन खालिस्तान दिए हैं। अपनों को मंजूषा के शब्दों को देखना है। पहले सबसे पहले तो मंजूषा में जो शब्द दिए होंगे उनका अर्थ देखिएगा। वही का अर्थ तो बाहर होता है, स्नेह का अर्थ धीरे, अपि यानी भी, और मां यानी मत या नहीं।
एकदा कदापि असत्यम कभी भी असत्यम बाहर बोलो धीरे बोलो भी बोलो या नहीं तो आ जाएगा मावत। ये पहले वाला स पठती वह पढ़ता है अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ मैं बाहर पढ़ता हूँ मैं धीरे पढ़ता हूँ मैं भी पढ़ता हूँ तो उचित कौन सा रहता है अपि। सा चलती वह चलता है वह चलती है बाहर चलती है या उचित कौन सा पड़ेगा स्नेह चलती तो ये तीसरा। इस प्रकार से हमको ये करना है। तो ये अपना यहां अव्यपदादि का प्रश्न पूरा हुआ। इस प्रकार से आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।